बच्चे की सगाई है चेतनानंद की, उसका शुभ उपनयन भी है देहरादून 16 अप्रैल को और 24 अप्रैल को सगाई है पटना में। इसी दोनों को लेके 15 दिनों का नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के सबसे बड़े बाहुबली नेता अब जेल से बाहर आ चुके हैं। जी हां, बिहार के सबसे बड़े बाहुबली नेता की हम बात कर रहे हैं और वो हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन जिन पर डीएमजी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा था, बाद में उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया और उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है, वे आनंद मोहन आज जेल से बाहर आए हैं। दरअसल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी होने वाली है और आनंद मोहन जो फिलहाल जेल से बाहर आए हैं, तो सबसे बड़ी जो बात है कि उनके समर्थक बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि आनंद मोहन को जेल से बाहर आने का जो फैसला आपके पास अटका हुआ है, इस पर निर्णय लीजिए। तो यह निर्णय फिलहाल नीतीश कुमार ने नहीं लिया है। जी हाँ, यह निर्णय नीतीश कुमार और वह भी महज 15 दिनों के लिए। दरअसल आनंद मोहन जिस जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए गए और उनकी सजा की अवधि भी पूरी हो चुकी है, तो उस मामले में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि आखिर आनंद मोहन को जेल से छोड़ने का राज्य सरकार कब निर्णय लेती है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है, आनंद मोहन की सजा भी पूरी हो चुकी है, तो इन सबके बीच अब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की जो शादी हो रही है और उसके पहले उनकी जो अलग अलग सगाई होनी है, उपनयन संस्कार होना है, तो इन सब के लिए आनंद मोहन ने कोर्ट से पेरोल की मियाद मांगी थी और कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए पेरोल पर बाहर आने का आदेश दिया है, जिसके बाद आनंद मोहन के पेरोल की अवधि आज से शुरू हो रही है और आनंद मोहन अब आज से जेल से बाहर आ गए हैं। अपने जो परिवार हैं और समर्थक हैं उनके बीच रहेंगे। बेटे का जो विवाह और जो अन्य आयोजन है उन सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराने की जो तैयारियाँ हैं और विधि विधान हैं उसको संपन्न कराएंगे। तो आनंद मोहन जब आज जेल से बाहर आए हैं, तो उसके बाद अपने बेटे की शादी की तैयारियों को लेकर के क्या क्या कर रहे हैं और जेल से आने के बाद आनंद मोहन ने का जो दर्द है वह किस तरीके से छलका है, आप सुनिए। नेताजी, कितने दिनों का पेरोल मिला है और क्या है आगे कार्यक्रम? पेरोल मिला है बेटे की सगाई है चेतनानंद की, उसका शुभ उपनयन भी है देहरादून 16 अप्रैल को और 24 अप्रैल को सगाई है पटना में। इसी दोनों को लेके 15 दिनों का मिला है। आगे शादी भी है 3 मई को, देखिए आगे क्या होता है।